बंदर के पूरा लगता गाँव में उठ के चला आया इधर। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है टाइगर, कैसे कर रहा है? बहुत दिन के बाद मिला टाइगर ना, आर्मी वाला सब इसी में रहते हैं, उनके फैमिली कोटा इतना ग्रीनरी जो है ना वो हिंदुस्तान में। हमको डर लग रहा है वीडियो बनाने में यहाँ से भी। हेलो दोस्तों, वेलकम माय अनदर वीडियो भाई। तो बताया था ना राजस्थान आने वाले हैं, तो राजस्थान तो आ चुके हैं। ये मेरा पहला दिन है राजस्थान में, तो हम दिखाएंगे अभी आर्मी कैंप में, आर्मी कैंप तो आपको दिखाते हैं। और आज हम शाम में कुछ अलग प्लान है, तो शाम में वहाँ चलेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज मजा आएगा पूरा दिन का, आर्मी कैंप उसी का आज का टूर रहेगा पूरा। तो भाई चल, मॉर्निंग का कम से कम ना 9:30 बज रहा है, अभी जिमी उठ गया और नाश्ता कर रहा। नाश्ता कहाँ गया जिमी, नाश्ता कहाँ गया सर, आपका नाश्ता कहाँ गया जिमी? तो ये है लिटिल बॉय जिमी। और कोटा में आए भैया के पास, वो भी आर्मी कैंप में, मतलब एक तरह का गांव बसा हुआ पूरा आर्मी का, पूरा एक मतलब बटालियन आपका, उनका फैमिली वगैरह सब रहते हैं, तो भैया भी उसी में आते हैं। तो भी हम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आर्मी कैंप का, क्योंकि आर्मी कैंप का ज़्यादा वीडियो आप नहीं शूट कर सकते हैं। तो दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे टाइगर बैठा हुआ, उठ जाओ, उठो, गेट अप। ये है बाहर का नज़ारा भाई, हमको डर लग रहा वीडियो बनाने में यहाँ से भी, कोई निपटा नहीं दे हमको। तो ये छोटा सा आर्मी कैंप का नज़ारा, कोई नहीं देख रहा। आर्मी का सबको क्वार्टर है, आर्मी वाला सब इसी में रहते हैं, उनके फैमिली, हम भी इसी तरह के क्वार्टर में हैं अभी फिलहाल। ये बाहर का नज़ारा भाई, और नीचे का ये नज़ारा, इधर पूरा जंगल है, बंदर वगैरह पूरा इधर है। कूल यार, कूल कूल कूल, टाइगर गुस्सा भी जाता कभी कभी, कूल कूल कूल, इससे डर भी लगता है हमको। गाड़ी भैया का गाड़ी यहाँ लगता है, भैया का साइकिल यहाँ पे दूसरा भी गाड़ी है। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है होई होई होई। बंदर के पूरा लगता गाँव में उठ के चला आया इधर, सब जा रहा है बैक टू अपना जंगल, बैक टू होम। अरे इतना सारा आर्मी कैंप में बंदर है भाई, तो भाई अभी रेडी हुए हैं, अभी जाने वाले हैं, भैया के साथ जाने वाले हैं, उनका जिम जाने वाले हैं, जिम देखने वाले हैं, और थोड़ा सा बाहर भी घूमने वाले हैं। तो कैंप से, आर्मी कैंप से बाहर निकल रहे हैं भैया के साथ। हम गए थे तो बहुत सारे इंक्वायरी हुआ था, भैया जाएंगे तो कम इंक्वायरी होगा, तो उनके साथ चलने वाला है, पूरा भी मार्केट भी घूमेंगे और भी बहुत सारी चीज़ है। तो भाई चलते हैं यहाँ से, तो रेडी हो गए, भैया भी हैं, जिम जाना ना, जिम करने, तो जिम वाला ड्रेस रहना चाहिए, निकलते हैं यहाँ से। तो हम लोग निकल चुके हैं बाहर, ये आर्मी कैंप का पूरा सा नज़ारा देख लीजिए बाहर से, इस तरह से दिख रहा है। और हमारे भैया ड्राइविंग कर रहे हैं, लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब देखिए बंदर को ऐसे ही घूमने के लिए आते हैं शाम में ना। यहाँ पे देखिए बंदर, क्यूट क्यूट सा बंदर, बंदर है आर्मी कैंप के अंदर बहुत सारा बंदर है ना, ये देखिए, ओह माय गॉड, बहुत सारा लोग हैं बाहर घूम रहे हैं, सब शाम में घूमने आते हैं। गेट नंबर 3 से निकलने वाला है, तो बाहर से नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि भैया साथ में है तभी तो नज़ारा दिखा सकते हैं, नहीं तो अकेले और पैदल में बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं। आर्मी का भाई रूल बहुत है सख्त, पता ही आप लोग को, तो भैया हैं तो दिखाते हैं रूल, आगे मतलब गेट दिखाते हैं बाहर का, बस अभी आ जाएगा इसकी, इसको कारगिल चौक बोलते हैं। अच्छा ये दिख रहा ना, ये कारगिल चौक हो गया, ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग गेट, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा ये मेन गेट है ना, मतलब तीसरा नंबर गेट का, तो ये देखिए तीसरा नंबर गेट है, तो तीसरा नंबर गेट से हम बाहर जा रहे हैं, देखिए ये गेट है, गेट है। तो हम लोग बाहर आ गए यार फाइनली, ये यहाँ ये लाइट, बस यही सेम चीज क्रॉस करने में ना इतना क्वेश्चन, आधार कार्ड भी हमको जमा करना पड़े, बाहर निकले बोले कि घूम के आओ फिर से आधार कार्ड मिलेगा, तो उधर से आए तब आधार कार्ड मिला। ऐसे बाहर निकले ना,
दोनों साइड लाइट है, बीच में भी लाइट है, ये रेड लाइट, और बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों साइड से पेड़ है और लाइट देखिए, मतलब खूबसूरत लग रहा है। नाइट का भी नज़ारा बढ़िया है। कोटा में हरियाली बहुत है ना, पूरा ग्रीन है, पूरा ग्रीन, अंदर भी ग्रीन था अभी आर्मी कैंप में, उसमें अभी तक लोग सुना होगा कि राजस्थान में सूखा रहता है, पानी नहीं मिलता है, पेड़ पौधा नहीं है। कोटा इतना ग्रीनरी जो है ना, वो हिंदुस्तान में शायद एमपी में ही होगा। सही में हम जब से हमको बालू मिला है कहाँ, ग्रीनरी है चारों तरफ, ग्रीन अब सही में पूरा ग्रीन है। इधर भी मेन सिटी है, इतना हरियाली किसी मेन शहर में तुमको मिलता है? ना हमको नहीं दिखा ऐसा कुछ। बिहार में भी मिलता तो गांव साइड में इस तरह का हरियाली मिलता है। तो हम लोग पहुंच गए दोनों भाई, भैया गाड़ी पार्क कर रहे हैं, उसके बाद जिम चलते हैं। जिम तो हम थोड़ा बहुत करेंगे, शायद भैया करेंगे तो दिखाएंगे जिम। मज़ा आएगा यार, आज मज़ा आ रहा हमको पूरा घूमने में, यहाँ आप लोग को भी मज़ा आएगा। चलिए यही है भैया का जिम, इसी में जाते हैं डेली, तो भी हम चलते हैं इसके अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। और हम लोग आए थे इससे, तो गाड़ी यहाँ लॉक कर दिए, नहीं देगा। अच्छा चलते हैं भाई, जिम के अंदर भैया गया, जिम के अंदर हम बाहर हैं, और ये जिम रह गया पीछे। बाहर इतना लाउड म्यूजिक अंदर है ना कि म्यूजिक ही सुनाई नहीं देगा, तो जिम के अंदर चलते हैं, बस म्यूजिक सुना देगा, मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बाकी जिम का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए अंदर, तो ये है जिम का नज़ारा, जिम यहाँ हो गया, जिम कुछ इस तरह का। Oh my god, जिम में मुझे कुछ ऐसे लग रहा है। भैया के पास ले चलते हैं, वो जिम कर रहे हैं बढ़िया से, तगड़ा वाला भीड़। यहाँ पे भैया हैं जिम कर रही है, नजारा देखो यार, तो भैया हमारे भैया जी डंबल मार रहा है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है यार। मजा नहीं आ रहा लेकिन बढ़िया है। भाई जिम के बाहर का नजारा यार ये, और जिम का नजारा कुछ इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं भैया जी, कौन सा बोलते हैं? मजा आ गया यार, तो हम लोग चाह रहे हैं अब है ना, बहुत भीड़ सुबह आते हैं आप, बहुत ही मजा आया, थोड़ा सा भी किए कैसे, हमको मजा आया थोड़ा सा भी किए। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन, तो हम लोग आए थे इसी से जिम, अभी भैया कर लिए, हम भी थोड़ा सा किए, तो अभी हम जाने वाला इससे किया। तो जिम से निकले और हम लोग पहुंचने वाले हैं कोटा जंक्शन। हम लोग बिहार दल सिंह से आएगा, एक लड़का आ रहा है दल सिंह साय का ना, तो भैया एक तो दोस्त दल सिंह साय का आने वाले हैं, उन्हीं को ले रिसीव करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो भाई स्टेशन के बाहर का नज़ारा इस तरह है, और हम लोग गेट नंबर 1 पे हैं क्या। तो हम पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन, ये भाई नज़ारा, इस पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। अब हम दोनों भाई चल रहे हैं अंदर, भैया के कि बैकग्राउंड में इतना बेहतरीन झरना बह रहा, स्टेशन के पास ही है,
और कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये हमारे कोटा जंक्शन, यहाँ से स्टेशन के अंदर आ गए हम लोग। एक नंबर प्लेटफॉर्म है, एग्जिट वाला गेट से एंट्री लिए हम लोग। एग्जिट वाला गेट से हम लोग एंट्री लिए। अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं क्योंकि उनको आने में थोड़ा अभी टाइम है, ट्रेन अभी आई नहीं है। स्टॉल हम लोग को मिल नहीं रहा है, कोल्ड ड्रिंक सब बड़ा बड़ा मिल रहा है, 40-45 वाला, उतना बड़ा कौन पिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह पे लस्सी, लस्सी नहीं कोल्ड कॉफ़ी। एक हम और एक भैया चेस। तो हम लोग इन्हीं दोनों का आए थे रिसीव करने के लिए, भैया के साथ। तो हम रिसीव कर लिए। अच्छा, तो स्वागत है आपका आप ही का कोटा में भैया जी। रिसीव कर लिए, अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए कैंप के पास। तो ये अर्जुन गेट है यार, इससे एंट्री ले रहे हैं। तो इससे एंट्री ले रहे हैं हम लोग बाहर का, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो, ये देखो, हाँ ये ड्यूटी वाले सब खड़े हैं, सब ड्यूटी वाले थे ना। बंदर का लाइट गया हुआ, बस गाड़ी का जितना लाइट है ना उतना ही हम दिखा सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। क्या बोले, यहाँ का एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा रहा और बुरा भी रहा। बुरा कैसे रहा? बुरा इसलिए रहा यहाँ का एक्सपीरियंस कि हम गेट पे इतना सारा इंक्वायरी, हम पहली बार इसको छोड़ नहीं रहा था गेट से कुछ, फिर भैया साथ करवा तो छूटे हम। लेकिन अंदर का ना नज़ारा जो है ना बहुत बेहतरीन है, आप देख भी सकते हैं। ऐसे नाइट है तो आपको उतना बेहतरीन नहीं दिख रहा होगा, अब तो हॉरर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, डरावना। तो कभी और आपको दिखाएंगे दिन में। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वार्टर, निकल गए बोल के पता भी नहीं चला। तो हम लोग पहुंच गए, we have reached finally to destination। भैया बोले आर्मी क्वार्टर, फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए, बाय बाय। अब चलते हैं। तो भावे जी पहुंच गए, अब जा रहे हैं क्वार्टर अपना, ये वाला। पंजाब से है। अच्छा अच्छा, पंजाब से है। सस्त्री अकाल। तो देखिए भावे जी पहुंच गए, अब जा रहे हैं क्वार्टर, जा रहे हैं क्वार्टर, जा रहे हैं। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं घर। देखिए टाइगर इन्हीं का था। देखिए देखिए टाइगर कैसे कर रहा, बहुत दिन के बाद मिला है टाइगर ना। गुस्सा आ गया। अच्छा प्यास बोला, इतना दिन कहाँ थे। टाइगर पूरा प्यार दिखा रहा है। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम लोग क्वार्टर। आज का एक्सपीरियंस ना बाहर का बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा भी आया। तो ये ब्लॉग भाई यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और अच्छा, कुछ और बढ़िया, कुछ और बेहतरीन। जो जो सब्सक्राइब नहीं किया ना हमारे चैनल को MS राणा ब्लॉग्स को, जाओ जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड हाँ टाटा। और एक मिनट आओ, एक मिनट आओ, भाभी को भी हम नहीं दिखाए, मेरी प्यारी जो भाभी है ना उनको भी इंट्रो नहीं करवाया। तो आपको कभी और ना हम अपनी भाभी को दिखाएंगे। तो भाई ये ब्लॉग समाप्त करते हैं, बाय बाय एंड टाटा।